स्टूडेंट वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 57 या 58 तक दिए थे। आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला चैप्टर पूरी तरह से हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलो देखो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं, 58 देख लेते हैं। ठीक है, 58 एक्सरसाइज मेरे पास आरएसएन वाली की ओल्ड बुक है, इसीलिए इसमें एक्सरसाइज 10 में है। नई बुक में चैप्टर लगता है कुछ चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 3x माइनस 4 अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 5/2। x का वैल्यू 4/3 नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखता है, ये हम लास्ट क्लास तो समझा चुके हैं क्यों लिखता है, आज हम फिर हम समझा देते हैं। ये जो हम बताने जा रहे हैं ये हम बताते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। ठीक है, तो जब ये जिसको समझ नहीं आता, जो आज मेरा पहला लेक्चर सुन रहा है, वो क्या करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का खोलना, उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है, तो वो क्वेश्चन पर जाकर के उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालना, जेमिस प्रोडियम क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालना, सारा प्लेलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसमें सबसे पहला लेक्चर सुन लेना, क्योंकि ये हम दो तरीके से बताए, एक बताया कि फैक्टराइज करके यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बताए, और दूसरा हम ये बताया कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या है, बना बनाया मेथड है, वैल्यू उठा कर पुट करो आंसर निकल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से दो रूट फाइंड आउट होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा निकालेंगे हम लोग, तो हम डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट मेथड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 4/3 क्यों लिखता है, x का वैल्यू 4/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 4/3 अगर पुट करेंगे तो 3 × 4/3 कैंसिल 4 बचेगा, प्लस 4 माइनस 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। और कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है, कोई किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाता है तो ये नंबर नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर, इसीलिए ये लिखता है कि 4/3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा हम लोग को लेंथी चला जाएगा, इससे शॉर्ट टर्म ये है, यहाँ पर देखो 3x माइनस 4/7 और यहाँ पर क्या है 7/3x माइनस 4। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट 3x माइनस 4/7 को हम लोग मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y, तो ये देखो रेसिप्रोकल है, 7/3x माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये जो नंबर ये ऊपर ये नंबर नीचे, इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/3x माइनस 4, तो ये अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल होना पड़ेगा, तो इसका नीचे क्या रखा हुआ 1 रखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1/y, तो इसका वैल्यू क्या होगा y, ये क्या होगा 1/y इज इक्वल टू 5/2। तो हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे क्या होगा y, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5/2, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हम लोग को यही फोकस करना है कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए। अब जैसे ही स्टैंडर्ड आ जाता है हम लोग डी निकाल लेंगे, और डी जैसे ही निकलता है अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, यहाँ से डी निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, बी माइनस 5, माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 × ए क्या है, सी क्या है 25 माइनस 16 दैट इज 9। फिर हम बोल रहे हैं डी, हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये 100% स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाना चाहिए। तो जब भी डी निकाल लो पहले ये ध्यान रख लो कि डी का जो वैल्यू है वो बाहर निकल करके हम लोगों का आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर फिर बोल रहे हैं कि डी हम लोग का स्क्वायर रूट से परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर निकलना चाहिए। तो डी निकल के देखो डी 9 है, 9 का हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। अब डी निकल के क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा
ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, माइनस बी क्या है, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, माइनस बी, बी क्या है माइनस फाइव, प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है नाइन बाई टू इंटू ए, ए क्या है बोलो, ए तुम्हारा क्या है टू, फाइव प्लस माइनस थ्री अपॉन, देखो यहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू क्या बोले, प्लस ले लेते हैं फाइव प्लस थ्री अपॉन फोर दैट इज एट अपॉन फोर टू, अल्फा टू आ गया, बीटा क्या आ जाएगा फाइव माइनस थ्री अपॉन फोर दैट इज टू अपॉन फोर वन अपॉन टू, ठीक है, तो अल्फा हम लोगों का निकल के आ गया, अल्फा हम लोगों का क्या निकल के आ गया टू, और बीटा जो निकल करके आ गया वो क्या निकल के आ गया हम लोगों का बोलो वन अपॉन टू, अब ये आंसर नहीं होगा, क्लियर, यानी वाई हम लोगों का निकल करके आया, ये वाई हम लोगों का निकल करके आया, ये मान लो कि जो हम स्प्लिटिंग जो करते थे वहां से क्या निकलता था एक्स निकलता था ना, तो यहां से तुम्हारा क्या निकला एक्स निकला, ये एक्स का वैल्यू निकल, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई के फॉर्म में है तो वाई का दो वैल्यू निकला है, तो पहले हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं वाई बोल सकते हैं ना, ये वाई का वैल्यू है, ये वाई का दो वैल्यू निकला, निकला वाई का दो वैल्यू, वाई इज इक्वल टू क्या निकला एक टू निकला, और दूसरा वाई इज इक्वल टू क्या निकला वन बाई टू निकला, क्लियर, अब ये आंसर नहीं, हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, तो y की जगह पर हम क्या पुट कर सकते थ्री एक्स माइनस, थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन सेवन, तो y की जगह पर क्या थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन सेवन इज इक्वल टू टू, क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फोर्टीन, थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन प्लस फोर, थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट, सॉरी एटीन, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया सिक्स, क्लियर, ये तो x निकल गया, दो वैल्यू निकल रहा है क्योंकि दो वैल्यू निकलेगा और दोनों वैल्यू लगभग सेम आना चाहिए, तो थ्री y की जगह पे क्या पुट करें थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन सेवन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, क्रॉस करो, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू सेवन, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सिक्स एक्स माइनस एट इक्वल्स टू सेवन, तो सिक्स एक्स इक्वल्स टू सेवन प्लस एट, सिक्स एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन, एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन सिक्स, थ्री टू जार सिक्स थ्री फाइव जार फिफ्टीन, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या निकला एक्स सिक्स निकला और दूसरा वैल्यू क्या निकला फाइव बाई टू, देखो अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ये तो मान लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल देते हैं, बोलते वाई इज इक्वल टू टू और वाई इज इक्वल टू वन बाई टू एट वन हाफ, लेकिन हम लोग को y का वैल्यू नहीं निकालने बोले, हम लोग क्या निकालने बोले x का वैल्यू, तो जो x माने थे तो x y की जगह पर जो वैल्यू माने हैं वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो आंसर हम लोग क्या होगा सिक्स एंड फाइव बाई टू, क्लियर, समझ आया चलो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सारा क्वेश्चन अब सेम दिख रहा है, सारा क्वेश्चन अब हम लोगों का सेम दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए थे 58 किए थे ना, 58 59 सेम है, 60 सेम है, अच्छा 61 से चेंज हो रहा है, तो 61 से लेकर के 64 तक चेंज है, तो एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं हम लोग, जिस बच्चे को समझ नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन को पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, सेम टाइप का क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है, जिस बच्चे को समझ नहीं आए वो व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है, और एक काम ये करना कि ये क्योंकि अभी सारा क्लास अभी स्कूल ऑफ चल रहा है, सारी कोचिंग ऑफ चल रही है, तो ये करना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि घर बैठे सारे बच्चे को फायदा हो जाए, क्योंकि सारा वीडियो हम
प्लेलिस्ट में सारा प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू वीडियो हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक काम करना, सिर्फ शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि 60, 61, 62, 63, 64 तक सेम है, तो 63 देख लेते क्वेश्चन। 63 में क्या है, 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 63 देख रहे हैं ना, x minus 2 x minus 1 इक्वल्स टू 6 upon x x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 1 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वही फिर बात। 2 अगर पुट करेंगे 0 हो जाए, किसी नंबर के लिए 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले सारे नंबर को हम लोग इक्वल्स टू के अंदर ले लेते, कर लेते हैं हम सारे नंबर को इक्वल्स टू के अंदर ले लेते। तो सब सारे नंबर को इक्वल्स टू के अंदर अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा नंबर, 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 minus 6 upon x equals to 0। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे चलो इक्वल्स टू अभी रहने दो, इसके बाद हम लोग काम एक स्टेप आगे करेंगे। एलसीएम ले लो x माइनस टू और x माइनस वन एलसीएम होगा, इसके नीचे ऑलरेडी x माइनस टू है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस वन से, x माइनस वन प्लस इसके नीचे x माइनस वन है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस टू इक्वल्स टू 6 upon x। x माइनस वन प्लस 2x minus 4 upon खोल दे इसको, चलो खोल देते, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x plus 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x plus 2 इक्वल्स टू 6 upon x क्या हो जाएगा, 3x minus 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2 इक्वल्स टू 6 upon x क्रॉस कर लो इसको, एक्स 3x minus 5 इक्वल्स टू 6x square minus 6x plus 2 3x square minus 5x equals to 6x square minus 18x plus 12 ये 3x square उधर ला रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x square minus 18x इसको उठा के इधर लिया क्या हो जाएगा, प्लस 5x क्या बचा, प्लस 12 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, 3x square minus 12 इक्वल्स टू 0 देखो ये हम लोग क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। एक बार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाता है हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डी निकाल लेंगे, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही डी निकला अल्फा बीटा निकल जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। बस ध्यान ये रखोगे कि डी जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला वैल्यू है, क्लियर। अब यहाँ से तुम्हारा कुछ मानना होना तो है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला डी निकालो अल्फा बीटा निकालो, ठीक है। सॉल्व इसे आगे सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके कमेंट कर देना कि यस बना कि नहीं बना, ठीक है। चलो 64 तक तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग 65 से लेकर के 70 तक या 65 से लेकर के 68 तक कुछ नया टाइप का क्वेश्चन, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 66 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग 66। क्वेश्चन नंबर 66
7x plus 1 by 5x minus 5, sorry, 5x minus 3 minus 4, 5x minus 3 upon 7x plus 1 equals to 3. और x का वैल्यू 1 minus, x का वैल्यू 3 by 5 के बराबर नहीं होना चाहिए और minus 1 by 7 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखना ये टर्म क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है. इसको अगर हम लोग y मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 upon y. तो हम क्या करें 7x plus 1 upon 5x minus 3. लेट क्या मान लिए y, तो ये क्या हो जाएगा 3y minus 4, ये क्या हो जाएगा 1 upon y into 1 upon y equals to 3. 3y minus 4 upon y ये minus 3 ले लो equals to 0. LCM लेंगे क्या होगा y, 3y square minus minus 4 minus 3y equals to 0. तो 3y square minus 3y minus 4 ये नंबर इधर जाएगा क्या होगा 0. ये तुम्हारा क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, इसको तुम स्प्लिट यहां पे क्योंकि ये आसान सा टर्म है इसको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट कर लो. स्प्लिट करेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि जहां पर स्प्लिटिंग लग जाए आसान तो स्प्लिटिंग कर लिया करो, जहां पर स्प्लिटिंग थोड़ा सा लगेगी लेट भी जाएगा वहां पर डी लगा लिया करो. तो यहां पर स्प्लिटिंग हम कर देते हैं क्या हो जाएगा 12 3 4 जा 12 यहां से क्या करना, दो y का वैल्यू निकल जाएगा और y का वैल्यू दो निकल जाएगा. तो y का जो वैल्यू निकलेगा यहां पे y का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, इसके बराबर ये इक्वल कर देना, यहां से x का वैल्यू दो फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर? x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा हम लोगों का. अब क्या करना है, क्योंकि हम लोग मेन फोकस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाता है. तो बस सब क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला देना, उसके बाद डी निकाल लेना, अल्फा बीटा निकाल लेना, जैसे इससे पहले इस तरह कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना. और एक क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक करना, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो एक काम ये करना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सारे क्लासेस, कोचिंग क्लासेस और स्कूल सारे ऑफ चल रहे हैं, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो और घर बैठे सारे बच्चे इस वीडियो को देख कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. और किसी टाइम भी व्हाट्सएप नंबर पर हमको ये व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को वो भेज सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्यूशन को मिल जाएगा उनको, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को क्लोज करके हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है. चलो थैंक यू.